सपा नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी में आयकर विभाग ने सीज किए हैं 1,12,00,000 रुपए। जी हाँ, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ, मऊ, मैनपुरी के साथ ही खबर यह है कि कोलकाता, बेंगलुरु, कर्नाटक और एनसीआर समेत 30 जगहों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई हुई और आयकर विभाग ने सिविल कंस्ट्रक्शन के कारोबार में करोड़ों रुपए के फर्जी खर्चों की गड़बड़ी पाई है। ये भी जानकारी मिल रही है, सपा नेताओं के ठिकानों से खाली बिल बुक्स मिले हैं, भारी मात्रा में स्टैंप मिले हैं, फर्जी सप्लाई के लिए साइन किए हुए चेक जब्त किए गए हैं। ये बड़ी खबर भी है, सपा नेता की एक कंपनी में 86 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति पाई गई है। फर्जी कंपनियों के जरिए 12 करोड़ रुपए के निवेश और आमदनी भी पाई गई है। एक सपा नेता के 11 करोड़ रुपए की फर्जी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट और 3.5 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्तियां चिन्हित की गई है। अब पहले बार बार ये कहा गया कि कुछ हाथ नहीं लग रहा है आईटी के, लेकिन फिर भी आईटी के अधिकारी डटे हुए हैं अलग अलग ठिकानों में सपा नेताओं के। लेकिन अब धीरे धीरे खुलासा हो रहा है किस तरीके से आईटी आगे बढ़ती है, किस तरीके से जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, इसी पर जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी शैलेश जुड़ चुके, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलती हूँ। शैलेश, अब देखिए किस किस के ठिकाने से क्या क्या मिला है, कोई डिटेल्स अभी तक बाहर आ पाई है क्या? हालांकि खुलासे तो बहुत हो रहे हैं कि यहाँ से ये मिला, वहाँ से वो मिला, लेकिन जिस नेता के घर पर आईटी के अधिकारी मौजूद थे, वो कौन सा नेता है जिसके घर से करोड़ों रुपए सीज किए गए हैं, इसके बारे में कोई जानकारी तफसील से मिल पाई? देखिए, आयकर विभाग ने अभी जो जानकारी साझा की है उसमें नेताओं के नाम लेकर स्पेसिफिक ये नहीं बताया है कि किसके यहाँ से कितना क्या बरामदगी हुई, क्योंकि वो चीज़ें देखिए अभी जांच में जब चलती हैं तो कॉन्फिडेंशियल रहती है, चीज़ों को छुपा कर रखा जाता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल कार्रवाई यानी जो टोटल कार्रवाई हुई है उसकी बात करते हैं तो करीब 244 करोड़ रुपए की गड़बड़ी मिली है अब तक आयकर विभाग को, जो आयकर विभाग से जानकारी सामने आई है। तो एक बड़ी रकम है जिसमें गड़बड़ी मिली है, और ये छापों की बात करें तो यूपी, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, 4 जगह पर 30 ठिकानों पर पूरी ये छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। अगर कैश की बात करें तो 1 करोड़ से ज़्यादा नगद की बरामदगी की बात सामने आई। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो 86 करोड़ रुपए की जो आय है वो अघोषित आय अब तक सामने आ चुकी है। हालांकि जिस जो ये आय सामने आई है उसमें से 68 करोड़ की बात एक ने कबूल कर ली है और उसके ऊपर उसने कर देने का प्रस्ताव भी सामने रखा है। दूसरी चीज अगर बात करें तो देखिए 26 करोड़ रुपए का जो खेल सामने निकल कर आया है वो आया है मुखौटा कंपनियों के माध्यम से। मुखौटा कंपनियां यानी बोगस कंपनियां, फर्जी कंपनियां कह सकते हैं, उनके माध्यम से 26 करोड़ रुपए की हेराफेरी का गड़बड़ी का मामला सामने आया है। बहुत शुक्रिया शैलेश आपका, पूरी जानकारी के लिए लगातार नजर बनाए रखेगा क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं, उत्तर भारत में शीतलहर का असर बढ़ता जा रहा है, बर्फीली हवाएं लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रही है। बढ़ती सर्दी और बर्फीली हवाओं को देखते हुए सीएम योगी ने शासन को सख्त निर्देश दे दिए हैं। यूपी के लोगों को शीतलहर से बचाने के लिए पुराने रैन बसेरों में व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ ही नए रैन बसेरे बनाने के आदेश पारित कर दिए गए, साथ ही साथ नए रैन बसेरों के लिए धन भी उपलब्ध करा दिया गया है। सीएम योगी ने यूपी के हर जिले में गरीबों को सर्दी से बचाने के लिए अलाव जलाने और कंबल बांटने के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। योगी सरकार शीतलहर से किसी गरीब की जान ना जाने पाए इसके लिए पहले से व्यवस्था को चाक चौबंद करने में लगातार जुटी है और इसके लिए सरकार ने प्रदेश भर में जिम्मेदार संस्थाओं को पर्याप्त धनराशि देकर रैन बसेरे बनाने के काम में तेजी लाती है। सरकार की मंशा साफ है कि जगह जगह रैन बसेरे बनाकर शीतलहर से निराश्रित, अक्षम और गरीबों को शरण दी जा सके। सरकार ने जिम्मेदार अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि रैन बसेरे में साफ सफाई करने के साथ ही किस तरह के अवैध कब्जे ना होने पाए, और सीएम ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लखनऊ से बड़ी खबर है, होमगार्ड मुख्यालय की महिला बैरक का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर लगातार। महिला होमगार्ड्स के साथ होमगार्ड अधिकारी का डांस करते वीडियो वायरल हो रहा है। डांस कर रहा अधिकारी ब्लॉक ऑर्गेनाइजर बताया जा रहा है, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। होमगार्ड मुख्यालय में महिला होमगार्ड्स की ट्रेनिंग चल रही है और ट्रेनिंग कर रही महिला होमगार्ड्स के साथ डांस कर रहा है अधिकारी। देखिए Oh!